समस्तंकु शुभ दिन। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती जेमिति कि तुम्हे समस्ते जानिछ कि सप्ताहर प्रथम दिन रे आमे किछि नुआ सिखि थाउ एवं परवर्ती क्लास रे तुम्हे जहा सिखि थाउ तहार अभ्यास करि थाउ। तेबे तुम्हे माने आजिरो क्लास रे पूर्व क्लास रे कौन सबु सिखिथिलो तहार अभ्यास करिबो। आस वर्तमान अभ्यास रु आरंभ करिबा। कौन तुम मानकर मन अछि कि पूर्व क्लास रे तुम्हे कौन सबु सिखिथिलो? पूर्व क्लास रे तुम्हे इनसर्ट फॉर्मेट एवं टूल्स मेनुर ऑप्शन गुड़िक विषय रे सिखिथिलो। तेबे एठारे तुम पई किछि अभ्यास रो प्रश्न अछि। कौन तुम्हें जानिछ कि एनिमेटेड इमेज ऑप्शन काहीं की व्यवहार करा जाए? तुम्हें एनिमेटेड इमेज ऑप्शन रो सहाय्य रे स्लाइड रे इनसर्ट करिथिबा समस्त चित्र को गोटिए जागा को आनी पारिबो एवं ता परे तुम्हें सही गुड़ी को गोटिए परे गोटिए देखि पारिबो। कौन तुम्हें जानिछ जदि तुमको तुम्हारा इम्प्रेस रो फाइल रे कौनसी MP3 किंबा वीडियो को प्ले करिबा पई अर्थात चलाया पई तुम्हें केऊ ऑप्शन रो व्यवहार करिबो? जदि तुमको तुम्हारा इम्प्रेस रो फाइल रे कौनसी MP3 अर्थात गीत किंबा वीडियो को चलाइबार अछि तेबे तुम्हें इनसर्ट मेनू रो मूवी एंड साउंड ऑप्शन रो व्यवहार करिबो। कौन तुम्हें कही पारिबो तुम्हारा इम्प्रेस स्लाइड रे करिथिबा ड्राइंग को क्रॉप ऑप्शन रो सहाय्य रे कट करि पारिबो कि नाही? ना केवल तुम्हें तुम्हारा इम्प्रेस फाइल रे कौनसी चित्र को इनसर्ट करि सारिबा परे क्रॉप ऑप्शन रो व्यवहार करि क्रॉप अर्थात कट करि पारिबो। तुम्हारा स्पेलिंग को चेक करिबा पई तुम्हें केऊ शॉर्टकट कमांड रो व्यवहार करिबो? स्पेलिंग को चेक करिबा पई हेले तुमको शॉर्टकट कमांड F7 रो व्यवहार करिबा पई हेबो। कोन तुम्हें कहि पारिबो इम्प्रेस रो केऊ मेनू बार भितरे तुम्हें टेक्स्ट एरिया लाइन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन गुड़ी को पाइबो? तुम्हें एही ऑप्शन गुड़ी को फॉर्मेट मेनू रे पाई पारिबो। तुम्हें कही पारिबो कलर रिप्लेसर कौन अटे? तुम्हें कलर रिप्लेसर रो सहाय्य रे तुम्हारा चित्ररु गोटिए कलर को सिलेक्ट करि पारिबो एवं ताहाकु तुम्हें चाहुतिबा कलर द्वारा चेंज किंबा रिप्लेस करि पारिबो। कौन तुम्हें जानिछ मैक्सिमाइज प्रेजेंटेशन ऑप्शन रो व्यवहार काहीं की करा जाए? एही ऑप्शन रो सहाय्य रे तुम्हें फाइल रो साइज को रिड्यूस माने कम करि पारिबो। तुम्हें तुम्हारा चित्र गुड़ी को संकुचित करि पारिबो एवं तुम्हें इम्प्रेस प्रेजेंटेशन रो समरी को देखि पारिबो। वर्तमान तुम्हें तुम्हारा कंप्यूटर रो स्विच ऑन करो एवं तुम्हारा इम्प्रेस फाइल को ओपन करो एवं आस वर्तमान आजिरो क्लास आरंभ करिबा। आजिरो क्लास रे तुम्हें पूर्व क्लास रे कौन सबु सिखिथिलो तहार अभ्यास करिबो। प्रथमे तुम्हें समस्ते लेआउट रे टाइटल लेआउट स्लाइड को सिलेक्ट करो एवं ता परे तुमको दिया जाइतिबा लाइन को टाइप करो एवं ताहाकु 5 थर कॉपी पेस्ट करो एवं जदि तुमको किछि असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो को देखो एवं सेथिरु सीख। वर्तमान तुमको दिया जाइतिबा लाइन को कॉपी पेस्ट करिबा पई प्रथमे तुम्हें एही लाइन टी को सिलेक्ट करो। तुमको सिखा जाइतिबा जे कोनसी माध्यम द्वारा प्रथमे लाइन टी को सिलेक्ट करो तापरे कॉपी करिबा पई शॉर्टकट कमांड Ctrl+C बटन रो व्यवहार करो तापरे पेस्ट करिबा पई Ctrl+V बटन को दबाओ। से परी 5 थर तुम्हें दबाओ। यह द्वारा तुम्हें देखि पारिबो
दिया लाइन टी ये बहुत बार पेस्ट हो जापरी भाव में तुम्हें कॉपी पेस्ट ऑप्शन को व्यवहार करपर तुम्हें गोटे नुआ स्लाइड इनसर्ट कर एवं तुम्हें से मूवी एवं साउंड ऑप्शन को किपर व्यवहार कर देखाओ एवं तापर यह विषय किसी टाइप कर जदि तुमको किसी असुविधा तबे यही वीडियो को देख एवं से सीख। वर्तमान मूवी एंड साउंड ऑप्शन रो व्यवहार करने प्रथम गोटे नुआ स्लाइड नियो एथिपाई तुम्हारा कर्सर को स्लाइड पेन को आनी राइट क्लिक करो या परे न्यू स्लाइड ऊपर गोटे थर क्लिक करो तुम अगर गोटे नुआ स्लाइड आसी जिवो जहाँ कि तुम्हें देखिपार यह टाइटल स्लाइड अटे एवं यही टाइटल कंटेंट स्लाइड रे एठार तुम्हें देखिपार इनसर्ट मूवी करने ऑप्शन अच्छी यठार इनसर्ट मूवी ऑप्शन रही तुम्हें यही क्लिक कर मूवी को इनसर्ट कर यही ऑप्शन द्वारा वर्तमान आम इनसर्ट मेनू मूवी एंड साउंड ऑप्शन रो व्यवहार करवा एथिपाई प्रथमे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को इनसर्ट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर तापरे मूवी एंड साउंड ऑप्शन को जाए क्लिक कर यह द्वारा तुम आगर गोटे बॉक्स ओपन हेबो जो भाई तुम वीडियो देखी पार यही बॉक्स रे तुम्हारा वीडियो टी केउठारे अच्छी तुम्हें ताकू खोजी पारिबो इठारे स्क्रॉल बार को व्यवहार करी या वीडियोज रे अच्छी किंबा पिक्चर रे अच्छी तुम्हारा मल्टीमीडिया फाइल केउठारे अच्छी तुम्हें ताकू खोजी पारिबो इठारे वीडियो को जाओ इठारे गोटे वीडियो रही वाइल्ड लाइफ रो या को सिलेक्ट कर तापरे ओपन ऊपर क्लिक करो तुम्हें देखि पारिबो सही वीडियो टी तुम्हारा स्लाइड रे इनसर्ट हो जाए जो भाई तुम्हें देखि पारु छो एवं तुम्हें एहा पाई एठारे किछ टाइटल मध्ये देई पारिबो एठारे क्लिक करी तुम्हें एठारे ए वीडियो पाई किछ टाइटल लिखि पारिबो जो भाई एठारे वाइल्ड लाइफ लिखा जाय छी एहा परे तुम्हें देखि पारिबो जेतबेले तुम्हें ए वीडियो को सिलेक्ट करछो किबा ऊपर क्लिक करछो कोटिए मीडिया बार एठारे तळे आसुछि एवं तुम्हें से इठारे या को प्ले करी परिबो किंबा पॉज करी परिबो किंबा स्टॉप करी परिबो इठारे ऑप्शन रही तुम्हें या को व्यवहार करी परिबो एही परि भावरे तुम्हें मूवी एंड साउंड ऑप्शन रो व्यवहार करी परिबो तापरे जाओ एवं तुम्हें गोटे नुआ स्लाइड को इनसर्ट कर एवं तुम्हारा प्रेजेंटेशन पाई गोटे समरी स्लाइड तैयारी कर एवं तापरे तुम्हें से ही समरी स्लाइड को केमिति एक्सपांड कर देखाओ जदि तुमको यह करने कि असुविधा तबे यही वीडियो को देख एवं यही विषय अधिक सीख। वर्तमान समरी स्लाइड एवं एक्सपांड स्लाइड रो व्यवहार करने प्रथमे स्लाइड पेन को जाए राइट क्लिक कर तापर न्यू स्लाइड ऊपर क्लिक कर गोटे नुआ स्लाइड आसी जिवो तुम्हें देखिपार इठारे तृतीय स्लाइड एवं तृतीय स्लाइड रे तुम्हें इठारे किसी टाइटल देवाई प्रथम यहाँ टाइटल स्लाइड को परिवर्तन कर एथिपाई लेआउट ऑप्शन को जाई टाइटल स्लाइड को क्लिक कर एवं इठारे किसी टाइटल एंटर कर जो भाई वीडियो इठारे कंप्यूटर शिक्षा टाइप कर तुम्हें किसी टाइटल दे पार या परे तुम्हें वर्तमान देखिपार तुम पाखरे तीनोटी स्लाइड अच्छी जो थे द्वितीय स्लाइड रे टाइटल रही वाइल्ड लाइफ तृतीय रही कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रथमटी गोटे टेक्स्ट स्लाइड अटे जो थे कौन सी टाइटल नहीं। वर्तमान इनसर्ट मेनू को जाए गोटे थर क्लिक कर तापर समरी स्लाइड ऑप्शन उपर गोटे थर क्लिक कर तुम्हें देखिपार गोटे नुआ स्लाइड आसी जाइए इठारे
चतुर्थ स्लाइड भावे एवं एथिरे जो टाइटल रही थी तुम स्लाइड रे ताठार आसी जा द्वितीय एवं तृतीय स्लाइड रे दुईट टाइटल रही तेणु ये टाइटल गुड़िक आसी एबे या को एक्सपांड करिबा पई प्रथमे इनसर्ट मेनू को जाओ तापरे एक्सपांड स्लाइड उपरे गोटे थर क्लिक करो तुम्हें देखि पारिबो एठारे दुईटी नुआ स्लाइड इनसर्ट होई जाइछि सही टाइटल अनुजाई समरी स्लाइड रे जे दुईटी टाइटल रहीथिला सही टाइटल अनुजाई दुईटी नुआ स्लाइड इनसर्ट होई जाइछि एही परि भाबरे तुमे समरी स्लाइड एवं एक्सपांड स्लाइड रो व्यवहार करि परिबो। वर्तमान तुमे समस्ते गोटे अलगा स्लाइड इनसर्ट करो ध्यान देव कि एही स्लाइड टी ब्लैंक स्लाइड हेबा दरकार तापरे आमे सेथिरे एनिमेटेड इमेज रो व्यवहार केमिति करिबा ताहा देखाओ। जदि तुमको किछि असुविधा होउछि तेबे एही वीडियो को देखो एवं सेथिरु सिखो। एनिमेटेड इमेज ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे एठार गोटे नुआ स्लाइड नियो एति पई स्लाइड पेन उपरे राइट क्लिक करो तापरे न्यू स्लाइड उपरे क्लिक करो एबे या को ब्लैंक स्लाइड रे परिवर्तन करिबा पई लेआउट ऑप्शन को जाई ब्लैंक स्लाइड उपरे गोटे थरो क्लिक करो तुम आगे गोटे ब्लैंक स्लाइड आसी जिवो। वर्तमान एथिरे चित्र इनसर्ट करिबा पई प्रथमे तुम्हें इनसर्ट मेनू को जाओ गोटे थर क्लिक करो तापरे इठारे एनिमेटेड इमेज ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक करो तुम आगरे गोटे एनिमेशन पेज ओपन हो जिवो एबे पुनर्बार तुम्हारे स्लाइड उपरे क्लिक करो एवं चित्र को इनसर्ट करिबा पई इनसर्ट ऑप्शन को जाई क्लिक करो तापर इठारे पिक्चर ऑप्शन को जाओ तापर फ्रॉम फाइल उपरे क्लिक करो एठारे गोटे बॉक्स ओपन हेबो जो थे विभिन्न चित्र रही गोटे चित्र को सिलेक्ट करो तापर ओपन उपरे क्लिक करो एबे इठारे एनिमेशन पेज रे अप्लाई ऑब्जेक्ट उपरे गोटे थर क्लिक करो तापर तुम्हारे स्लाइड रु चित्रटी को डिलीट कर दियो पुनर्बार इनसर्ट मेनू को जाई गोटे थर क्लिक करो एवं पिक्चर ऑप्शन रु फ्रॉम फाइल को सिलेक्ट करो एवं एठारु आ गोटे चित्र को सिलेक्ट करो तापर ओपन उपरे क्लिक करो ए चित्रटी तुम्हारे स्लाइड रे आसी जिवो एबे पुनर्बार एनिमेशन पेज को जाई एठार थिबा अप्लाई ऑब्जेक्ट उपरे गोटे थर क्लिक करो तापर स्लाइड रु चित्रटी को डिलीट कर दियो सेई परि पुनर्बार इनसर्ट मेनू को जाओ तापर पिक्चर ऑप्शन को जाओ एवं एठारे फ्रॉम फाइल को क्लिक करो एबे इठारु आउ गोटे चित्र को सिलेक्ट करो तापरे ओपन उपरे गोटे थर क्लिक करो एबे एही चित्रटी मध्य तुम्हार स्लाइड रे आसी जिवो एबे पुनर्बार एनिमेशन पेज को जाओ तापरे अप्लाई ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक करो अप्लाई ऑब्जेक्ट उपरे तापरे स्लाइड रु चित्रटी को डिलीट कर दियो सेपरि पुनर्बार इनसर्ट मेनू को जाओ तापरे पिक्चर ऑप्शन को जाओ तापरे फ्रॉम फाइल को क्लिक करो एबे इठारे आ गोटे चित्र को सिलेक्ट करो तापरे ओपन उपरे गोटे थर क्लिक करो सेपरि पुनर्बार एनिमेशन पेज को जाई अप्लाई ऑब्जेक्ट उपरे गोटे थर क्लिक करो तापरे तुम्हारा स्लाइड रु एही चित्रटी को डिलीट कर दियो सेपरि पुनर्बार इनसर्ट मेनू को जाओ तापरे पिक्चर ऑप्शन को जाओ एवं फ्रॉम फाइल उपरे गोटे थर क्लिक करो एबे एठारे आउ गोटे चित्र को सिलेक्ट करो तापरे ओपन उपरे क्लिक करो एबे पुनर्बार एनिमेशन पेज को जाई अप्लाई ऑब्जेक्ट उपरे गोटे थर क्लिक करो।
एबे आम पाखे पांचटी इमेज अच्छी तो ये वर्तमान ये क्रिएट ऑप्शन ऊपर गोटे थर क्लिक कर तापर या क्लोज कर दियो एनिमेशन पेज को। एबे एनिमेशन गुड़ी को देखिवा पाई प्रथमे स्लाइड शो करिवा पाई F5 बटन को प्रेस कर। एबे तुम जो स्क्रॉल डाउन कर देखिपार से चित्र गुड़िक गोटी परे गोटे आसुची तुम स्लाइड रे तुम्हें देखिपार से चित्र गुड़िक गोटे पर गोटे आसुची भाव में तुम्हें एनिमेटेड इमेज ऑप्शन रो व्यवहार करिपार। वर्तमान तुम्हें समस्ते आउ गोटे ब्लैंक स्लाइड इनसर्ट कर एवं से चित्रर स्थान परिवर्तन करिबा पाई एवं चित्र को रोटेट करिबा पाई पोजीशन एंड साइज ऑप्शन रो व्यवहार कर। यही विषय अधिक जानिबा पाई यही वीडियो को देख। वर्तमान पोजीशन एंड साइज ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पाई प्रथमे स्लाइड पेन ऊपर राइट क्लिक कर तापरे न्यू स्लाइड ऊपर क्लिक कर गोटे नुआ स्लाइड इनसर्ट होइजिबो। यहाँ परे तुम्हार कर्सर को ड्राइंग टूल बार को नहीं गोटे शेप सिलेक्ट कर जो भाई वीडियो रे देखा जाइछि। यहाँ परे तुम्हार स्लाइड रे ताहा को तैयारी कर एभली ड्राइंग तैयारी होइजिबो। यहाँ परे एथिरे पोजीशन एंड साइज ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पाई प्रथमे तुम्हार कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर तापरे पोजीशन एंड साइज ऑप्शन ऊपर गोटे थर क्लिक कर। यह द्वारा गोटे बॉक्स ओपन हेबो प्रथमे इठारे पोजीशन एंड साइज ऑप्शन को सिलेक्ट कर। तुम्हें देखि परिबो इठारे पोजीशन रे पॉइंट एक्स एवं पॉइंट वाई रही तुम्हें इठारे अप एरो की एवं डाउन एरो की को प्रेस करी तुम्हें यार पोजीशन बढ़ाई पारिबो। से पर इठारे साइज ऑप्शन रही विड्थ को तुम्हें अप एरो की को प्रेस करी बढ़ाई पारिबो एवं इठारे हाइट मध्य रही हाइट रे मध्य तुम्हें अप एरो की को प्रेस करी यार साइज को बढ़ाई पारिबो। एबे इठारे रोटेशन अछि रोटेशन को क्लिक कर इठारे एंगल रही तुम्हें केते एंगल ताकु रोटेट करने चाहूँ इठारे सिलेक्ट कर जो भाई 20 डिग्री कर ओके बटन को गोटे थर प्रेस कर। तुम्हें देखिपार तुम्हें कर फॉर्मेटिंग अनुजाई यार साइज रे परिवर्तन हो जाइछि एवं यह 20 डिग्री एंगल रे मध्य हो जाइछि जो भाई तुम्हें वीडियो रे देखिपार। यहीपर भाव में तुम्हें पोजीशन एंड साइज ऑप्शन को व्यवहार करिपार। वर्तमान तुम्हें जेकोणसी चित्र किंबा ड्रॉइंग तैयारी करिबा पाई लाइन ऑप्शन रो व्यवहार केमिति करिबो देखाओ एवं तुम्हें लाइन स्टाइल एवं एरो स्टाइल को किपरि चेंज करिबो देखाओ। जदि तुमको किछ असुविधा होउची तेबे एही वीडियो को देख एवं सेथिरु सिखो। वर्तमान लाइन ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पाई प्रथमे तुम्हें तुम्हारा स्लाइड रे गोटे लाइन तैयारी कर एथिपाई लाइन टूल को सिलेक्ट कर ड्राइंग टूल बार रु जो भाई वीडियो रु देखा जाइछि तापरे एठारे गोटे लाइन तैयारी कर। यहाँ परे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर तापरे लाइन ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो जो थे तुम्हें देखिपार इठारे लाइन ऑप्शन टी सिलेक्ट हो रही एटारे स्टाइल पे ड्रॉप डाउन आइकन को तुम्हें क्लिक कर एवं इठारे विभिन्न प्रकार लाइन रो स्टाइल रही इठारे गोटे स्टाइल को तुम्हें सिलेक्ट कर तुम इच्छा मुताबिक तापर इठारे कलर पाखरे ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक कर तुम्हें इठारे गोटे कलर सिलेक्ट कर लाइन पर से परी लाइन रो विड्थ एठारु तुम्हें बढ़ाई पारिबो एवं
परवर्ती ऑप्शन एठार तुम्हें देखिपर एरो स्टाइल एरो स्टाइल रही तुम्हें बाम एरो एवं डाण पाख एरो को तुम्हें सिलेक्ट कर पार क्यों पर तुम्हें देवाई चाहछ ये सिलेक्ट कर पार एरो को एरो स्टाइल से परि एरर विड्थ यार तुम्हें बढ़ाई पार जो भाई वीडियो तुम्हें देखिपार आप एरो की को प्रेस करी परवर्ती ऑप्शन शेडो अटे ये शेडो तुम्हें देवाई यूज शेडो उपर क्लिक कर एवं पोजिशन तुम्हें सिलेक्ट करमें क्यों ठारे शेडो देवाई चाहछ ये तार प्रिव्यू देखिपर एवं डिस्टेंस तुम्हें ये कम कि बेसी करने एरो की को व्यवहार कर अप एवं डाउन एरो की को एवं शेडर कलर तुम्हें परिवर्तन करो भिडियो देखा जाठार परवर्ती ऑप्शन रही लाइन स्टाइल एवं आउ गोटे ऑप्शन रही एरो स्टाइल तुम्हें ये परिवर्तन कर एबे गोटे थर ओके बटन को प्रेस कर तुम्हें देखिपर तुम्हें कर फॉर्मेटिंग अनुजाई ये लाइन फॉर्मेटिंग हो जाएगी से भाई एरर स्टाइल ये तुम्हें देखिपर यहपर भाव में तुम्हें लाइन ऑप्शन को व्यवहार करनर्व गोटे नुआ ब्लैंक स्लाइड इनसर्ट कर एवं तुम्हें एरिया ऑप्शन रो व्यवहार किपरि कर देखाओ एवं जदि तुमको किसी असुविधा तबे यही वीडियो को देखो एवं सेथिरु सीख वर्तमान एरिया ऑप्शन रो व्यवहार करने प्रथम इठे ड्राइंग टूल बार को जाए गोटे शेप को सिलेक्ट करो, तापरे स्लाइड पेन को जाई राइट क्लिक करो, एवं गोटे नुआ स्लाइड को इनसर्ट करो, इटे नुआ ब्लैंक स्लाइड आसीजिबो एवं तुम्हें देखिपारिबो इठारे तुम्हें जेहेतु पूर्वरु ड्राइंग टूल बारु शेप को सिलेक्ट करिछ तेणु इठारे गोटे चित्र तयारी करो एभली भाबरे या परे एथिरे एरिया ऑप्शन रो व्यवहार करी फॉर्मेटिंग करबा पई प्रथमे यहाँ सिलेक्ट कर यापर तुम कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर तापर एरिया ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन होठार तुम्हें देखिपर प्रथम ऑप्शन रही एरिया एवं तार फिल ऑप्शन रही फिल ऑप्शन रु जेकोसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर पार कलर बीट मैप जदि बीट मैप को सिलेक्ट करुछारे कलर को सिलेक्ट कर पार जेकोसी गोटे कलर तुम्हें चाहछ स्टाइल को सिलेक्ट कर पार ये एवं तहार पोजीशन तुम्हें सिलेक्ट कर पार क्यों पोजीशन में ताकु रखापी चाहछ तार प्रिव्यू ये देखिपर परवर्ती ऑप्शन रही शेडो या क्लिक कर इठारे यूज शेडो ऊपर क्लिक कर एवं इठारे शेडोर पोजीशन तुम्हें सिलेक्ट कर पार क्यों पोजीशन में देवाई चाहछ डिस्टेंस तुम्हें बढ़ाई पार कि कमाई पार इठारे एवं शेडोर कलर यठार तुम्हें चेंज कर पार तुम इच्छा मुताबिक दे पार से भाई ट्रांसपेरेंसी रही अर्थात शेडोर कलर तुम्हें केते गाढ़ा कि फिका करने चाहछ ताठार सिलेक्ट कर पार एवं प्रिव्यू देखिपर से परि परवर्ती ऑप्शन रही ट्रांसपेरेंसी एठारे जो ट्रांसपेरेंसी को सिलेक्ट करुछ तेबे तुम्हें फिल करथिबा कलर रो गाढ़ा किंबा फिका एठारे तुम्हें करि परिबो एवं परवर्ती ऑप्शन रही ग्रेडियंट तुम्हें एठारे तार एंगल सिलेक्ट करि परिबो ग्रेडियंट अर्थात तुम्हें देखि पारुथबो केते एंगल ले या रहुछि बॉर्डर दे परिबो एवं एंड वैल्यू एठारे तुम्हें दे परिबो जे भली वीडियो तुम्हें देखि पारुछ एवं यार प्रीव्यू तुम्हें देखिपर से परि परवर्ती ऑप्शन रही कलर तुम्हें कलर सिलेक्ट कर पार परवर्ती ऑप्शन रही ग्रेडियंट इटे ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर पार एवं हैचिंग रही ऑप्शन एठारे एवं बीटमैप रही तुम्हें निज इच्छा मुताबिक हैचिंग एवं बीटमैप या तुम्हें यापर एवं ओके उपर गोटे थर क्लिक कर तुम्हें देखिपर तुम्हें करथिबा फॉर्मेटिंग अनुजाई
तुम चित्रर फॉर्मेटिंग होई जाइछि। एही परि भाबरे तुम एरिया ऑप्शन रो व्यवहार करि परिबो। वर्तमान तुमको आगरे चित्र रे देखा जाइथिबा स्पेलिंग गुड़ी को देखो एवं ठीक सही परि तुम्हारा स्लाइड रे स्पेलिंग गुड़ी को टाइप करो एवं ता परे तुम्हें भूल गुड़ी को ठीक करिबा पई स्पेलिंग चेक रो व्यवहार किपरि कहिबो देखाओ। जदि तुमको किछ असुविधा होउछि तेबे एही वीडियो को देखो एवं सेथिरु सिखो। वर्तमान स्पेलिंग चेक ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर को स्लाइड पेन को आनी राइट क्लिक करो, तापरे न्यू स्लाइड ऊपर गोटे थर क्लिक करो, गोटे नुआ स्लाइड इनसर्ट होई जिवो। एबे एहाकु टाइटल स्लाइड को परिवर्तन कर लेआउट रु। एबे इठारे किछि शब्द टाइप कर जाकी भूल टाइप करिवो एवं आमे ताहाकु स्पेलिंग चेक ऑप्शन द्वारा सठिक करिबा। एबे ई भली इठारे टाइप कर करेंसी CURRENCI जाकी भूल अटे। एभली आउ गोटे शब्द टाइप कर सॉफ्टवेयर से भली स्पेस दियो एवं आउ गोटे शब्द टाइप कर एभली आउ गोटे शब्द टाइप कर से भली स्पेस दियो एक्सट्रीमली तापर स्पेस दियो आउ गोटे शब्द टाइप कर इनएबिलिटी। तुम्हें देखि परिबो एही शब्द गुड़िक तले गोटे लाल रंगर बंका गार अछि कारण या भूल अटे। एबे प्रथम शब्द मझिरे तुम कर्सर को रख, तापरे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को टूल्स मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर, तापरे स्पेलिंग ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर। तुम आगरे गोटे बॉक्स ओपन हेबो, एजे तुम्हें देखि परिबो प्रथम शब्दटी एटा लाल रंग रे आसी कारण या भूल अटे एवं ये टेक्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश रही शब्दी ये तुम्हें देखिपर भूल टाइप होती सजेसन ये तुम्हें देखिपर कि शब्द अच्छी तुम्हें सठिक शब्दी को बाछ तापर चेंज उपर क्लिक कर। एवं तुम्हें देखिपर द्वितीय शब्दी ये लाल रंग से आसी जाइए सजेसन रु ये सठिक शब्दी को बाछ ताकु सिलेक्ट करो, तापर चेंज उपर क्लिक करो। एबे से परी परवर्ती शब्द पई तुम इठारे सजेशन रु सठिक शब्दटी को खोज, तापर चेंज उपर क्लिक करो। से परी शेष शब्द पई इठारे सठिक शब्द को बाछ, तापर चेंज उपर क्लिक करो, तापर ओके उपर क्लिक करो। तुम देखि परिबो इठारे शब्द गुडी को सठिक होई जाइछि जों भली तुम वीडियो रे देखि परुछो। एही परि भाबरे तुम स्पेलिंग ऑप्शन रो व्यवहार करि परिबो। वर्तमान तुम्हें तुम्हारा स्लाइड रे जेकोणसी गोटे चित्र को इनसर्ट कर एवं तापरे तुम्हें सही चित्ररु गोटे कलर को रिप्लेस करिबा पई तुम्हें कलर रिप्लेसर ऑप्शन को किपरि व्यवहार करिबो देखाओ। जदि तुमको किछ असुविधा होउछि तेबे एही वीडियो को देखो एवं सेथिरु सिखो। वर्तमान कलर रिप्लेसर ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को स्लाइड पेन को आनी राइट क्लिक करो, तापरे न्यू स्लाइड ऊपर क्लिक करो। तुम्हें एठारे थिबा ऑप्शन रो मध्य पिक्चर को इनसर्ट करि परिबो, एठारे इनसर्ट पिक्चर ऑप्शन रहिछि। तुम्हें एठारे क्लिक करी तुम्हें एठारु आसीथिबा बॉक्स रु एठारु जे कोनोसी चित्र को तुम्हें इनसर्ट करि परिबो, याकु सिलेक्ट करी एटा सिलेक्ट करी तापर जे तुम्हें ओपन उपर क्लिक करुछ तेबे तुम्हें देखि परिबो एठारे पिक्चर टी इनसर्ट होई जाइछि। किंतु प्रथमे आम पाखरे ब्लैंक स्लाइड थिबा आवश्यक कलर रिप्लेसर यूज करिबा पई। एबे प्रथमे ए चित्र को डिलीट कर, तापर लेआउट रु ब्लैंक स्लाइड को सिलेक्ट कर। एबे तुम्हारा कर्सर को इनसर्ट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर, तापर पिक्चर ऑप्शन को जाई फ्रॉम फाइल को सिलेक्ट कर। एबे इठारे गोटे चित्र को सिलेक्ट कर,
तापर ओपन उपर क्लिक कर। एवे तुम स्लाइड रे से चित्रटे इनसर्ट हो तुम्हें देखिपर। बर्तमान एथेरे कलर रिप्लेसर ऑप्शन को व्यवहार करने टूल्स मेनू को जाए गोटे थर क्लिक कर। तापर कलर रिप्लेसर ऑप्शन को क्लिक कर। एठार गोटे छोट बॉक्स आसीबो तुम्हें देखिपर एवं एठारे गोटे ड्रॉपर चिन्ह अच्छी तुम्हें देखिपर। एठार ड्रॉपर चिन्ह को क्लिक कर एवं तापर चित्र जो कलर तुम्हें नेवाई चाहछ ताक सिलेक्ट कर। ये ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर। पहाड़ जो ब्लैक कलर रही सिलेक्ट करने गोटे थर क्लिक कर। तुम्हें देखिपर ये ब्लैक कलर आसी रिप्लेस विथ जगार तुम्हें जो कलर देवाई चाहछ से ही कलर को ये क्लिक कर। एवं तुम्हें यठार टॉलरेंस रही टॉलरेंस तुम्हें बढ़ाई पार कि कमाई पार। ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक कर अप एरो की किंवा डाउन एरो की को क्लिक कर। एबे रिप्लेस ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक कर। तुम्हें देखिपर तुम्हें रिप्लेस करथिबा कलर अनुजाई हो जाइछि। एबे एटा टॉलरेंस मध्ये तुम्हें कम करपर। एबे रिप्लेस ऑप्शन उपरे क्लिक कर एवं ए बॉक्स टी को काटि दियो। तुम्हें देखिपर तुम्हें जो कलर टी तुम चित्र नहीं कलर टी तुम्हें देथिबा कलर अनुजाई चेंज हो जाइछि अर्थात रिप्लेस हो जाइछि। एहाको तुम्हें चाहिए पूर्व अवस्था को आनी पारिबो। एथिपाई पुनर्बार टूल्स मेनू को जाए गोटे थर क्लिक कर। कलर रिप्लेसर उपरे क्लिक कर एवं इठारो लाल कलर को सिलेक्ट कर। तापरे रिप्लेस विथ रे इठारे ब्लैक कलर को अर्थात ग्रे कलर को सिलेक्ट कर। तापरे रिप्लेस उपरे क्लिक कर। एबे देखि पारिबो पूर्व परे इठारे आसी जाइछि ब्लैक कलर तुम्हें जो भले देखि पारुछो। एही परि भाबरे तुम्हें कलर रिप्लेसर ऑप्शन को व्यवहार करि पारिबो। वर्तमान तुम्हें तुम्हारा इम्प्रेस रो जेकोणसी गोटे स्लाइड रे स्प्रेडशीट को किपरी लगाइबो एवं सेथिरे किछि डाटा किपरी रखिबो देखाओ। जदि तुमको किछि असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो को देख एवं सेथिरु सिखो। वर्तमान तुम्हारा स्लाइड रे स्प्रेडशीट फाइल को इनसर्ट करिबा पई प्रथमे गोटे स्लाइड को सिलेक्ट कर जो थे तुम्हें स्प्रेडशीट फाइल को इनसर्ट करने चाहछ। तापर इनसर्ट मेनू को जाए गोटे थर क्लिक कर। तापर इठारे ऑब्जेक्ट ऑप्शन को जाओ एवं ओएलई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर। तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो। इठारे तुम्हें देखिपर विभिन्न ऑप्शन रही चार्ट ड्रॉइंग फॉर्मूला स्प्रेडशीट। एवं स्प्रेडशीट को सिलेक्ट कर। तापर ओके बटन को गोटे थर प्रेस कर। एबे तुम्हें देखिपर गोटे छोट स्प्रेडशीट रो बॉक्स तुम्हारा स्लाइड रे इनसर्ट हो जाइए। यही तुम्हें स्प्रेडशीट रे करथिबा काम एठार करि परिबो। एठार तुम्हें किछि चाहिले किछि नंबर इनसर्ट करि परिबो टाइप करि परिबो ए भली जे भली एठार वीडियो टाइप करा जाइछि। एठार सेल गुड़ी करे तुम्हें टाइप करि परिबो नंबर मध्य किंबा टेक्स्ट टाइप कर पारिबो एभली भाव में कि टेक्स्ट टाइप कर पारिबो। एवं जदि तुम्हें ये स्प्रेडशीट रो बाहर क्लिक करुछ तेबे तुम्हें देखिपारिबो स्प्रेडशीट टी देखा जाऊना केवल से तुम्हें टाइप करथिबा नंबर एवं टेक्स्ट गुड़िक देखा जाउछि जो भली तुम्हें वीडियो देखि पारुछ। इटा देखिपारिबो स्प्रेडशीट देखा जाऊना केवल नंबर एवं टेक्स्ट गुड़िक तुम्हें देखिपार। जदि यापर तुम्हें गोटे थर क्लिक कर तुम्हें इटे ग्रीन डॉट्स आसीबो एवं यह तुम्हें डिलीट कर पार। जदि डबल क्लिक कर तेबे पुनर्बार स्प्रेडशीट रो बॉक्स टी आसीजिबो। तुम्हें इठारे ऊपर देखिपर फॉर्मूला बार मध्ये इठारे आसुछि यापई। जदि यापर क्लिक करुछ तुम्हें देखिपर ऊपर फॉर्मूला बार आसुछि एवं यठार तुम्हें किसी फॉर्मूला टाइप कर पार जो भाई कि तुम्हें सम पाई समान चिन्ह दियो तापर एस यू एम टाइप कर तापर ओपन ब्रैकेट दियो तापर तुम्हें जो नंबर को मिसाए पाई चाहछ से नंबर को सिलेक्ट कर तापर ब्रैकेट को क्लोज कर एवं गोटे थर एंटर बटन को दबाओ। तुम्हें देखिपर यठार सम्र भैल्यू आसी जा तुम्हें बाहर क्लिक करुछ
तेबे तुम्हें देखी परिबो इठारे स्प्रेडशीट रो बॉक्स टी देखा जाऊ नाही केवल इठारे आसीथिबा मिश्रण फल इठारे आसुची एही परि भाबरे तुम्हें ऑब्जेक्ट ऑप्शन रो व्यवहार करी स्प्रेडशीट को तुम्हारा फाइल ले इंसर्ट करी परिबो तापरे तुम्हें मिनिमाइज प्रेजेंटेशन ऑप्शन रो व्यवहार करी देखाओ एवं कह यह द्वारा कौन होई थाए जदि तुमको किछि असुविधा होची तेबे एही वीडियो को देखो एवं सेथिरु सिखो वर्तमान मिनिमाइज प्रेजेंटेशन ऑप्शन रो व्यवहार करबा पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को टूल्स मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर तापरे मिनिमाइज प्रेजेंटेशन ऑप्शन ऊपर गोटे थर क्लिक कर तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो जो भाई वीडियो तुम्हें देखी पारुछ इटे प्रथम ऑप्शन रही इंट्रोडक्शन ये तुम्हें नेक्स्ट करि परिबो किंबा इटे ऑप्शन रही प्रेजेंटेशन मिनिमाइज रो सेटिंग को सिलेक्ट करने तुम इठारे ताकु सिलेक्ट करि परिबो जो इठारे स्क्रीन ऑप्टिमाइज ऑप्शन को तुम्हें सिलेक्ट करो तापरे नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करो आउ थरे नेक्स्ट करो परवर्ती ऑप्शन रही ग्राफिक्स इठारे लॉस लेस कंप्रेशन रही द्वारा तुम्हें रिजोल्यूशन में कौन सी परिवर्तन हेबो नाही यह कंप्रेस हो जिवो से भले आउ थरे नेक्स्ट करो इठारे तुम्हें देखि पारिबो ओएलई ऑब्जेक्ट पई इठारे ऑप्शन रही इठारे फॉर ऑल ओएलई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो तापर नेक्स्ट ऊपर क्लिक करो इठारे ऑप्शन रही समरी जो थे अप्लाई चेंजेस टू करंट प्रेजेंटेशन किंबा गोटे डुप्लिकेट तैयारी करने चाहूँ जी तेरे डुप्लिकेट ऑप्शन ऊपर क्लिक करो तापर फिनिश ऊपर क्लिक करो यही तुम डुप्लिकेट प्रेजेंटेशन टी केउठारे सेव करिया पई चाहुचो एवं केउ नामरे सेव करिया पई चाहुचो ताठर देई परिबो जेमळे इठारे गोटे नाम टाइप करा जाइछि एवं केउठारे सेव करिया पई चाहुचो ताकु सिलेक्ट करो तापरे सेव ऑप्शन उपरे गोटे थरो क्लिक करो या द्वारा तुम्हारा कंप्रेस फाइल टी सही नामरे एवं सही जगह रे सेव होई जिवो जेउठारे तुम्हें सिलेक्ट करिछो एभली भाव यह सेव हेब एवं सेव हेबा परे गोटे बॉक्स आसीबो तुम आगरे इटारे ओके ऊपर क्लिक करो एटारे तुम्हें देखि पारिबो यह सक्सेसफुली अपडेट हो जाइए मिनिमाइजर प्रेजेंटेशन टी एवं ओके ऊपर गोटे थर क्लिक करो एवं तुम्हें देखि पारिबो नुआ फाइल टी अर्थात डुप्लिकेट फाइल टी इठार आसी जाइए तुम्हें यहाँ चेक करि परिबो एवं एथिरे किछि तुम्हें चाहिले एड करि परिबो किछि करेक्शन करि परिबो एही बोली भाबरे तुम्हें मिनिमाइज प्रेजेंटेशन ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो आजर क्लास एहिठारे शेष हैला तुम्हें समस्ते तुम्हारा इम्प्रेस रो फाइल को बंद करो एवं तापरे तुम्हारा कंप्यूटर को सठिक भावरे बंद करो आजर क्लास रे तुम्हें माने समस्ते पूर्व क्लास रे जहाँ सब शिखिथिल तहार पुनरावृत्ति एवं अभ्यास करिल जेमिति कि एक्सपांड स्लाइड समरी स्लाइड एनिमेटेड इमेज ऑब्जेक्ट मूवी एंड साउंड लाइन एरिया टेक्स्ट स्पेलिंग एवं कलर रिप्लेसर इत्यादि कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती।